बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। शिबा इनू कॉइन की हाइप और पॉपुलैरिटी आज पूरे क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स शिबा इनू कॉइन में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और लोगों का ये भी मानना है कि शिबा इनू आने वाले टाइम में लखपति या करोड़पति बनाएगा और उनके ड्रीम्स को पूरा करेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिबा इनू कॉइन को एक यूजलेस कॉइन मानते हैं और उनका कहना है शिबा इनू ने अब तक जितना रिटर्न देना था वो दे दिया, अब ये आने वाले टाइम में कुछ नहीं करने वाला है, इन्वेस्टर्स का पैसा ही डुबाने वाला है। तो आखिर क्यों शिबा इनू की इतनी चर्चा हो रही है, क्यों ये लोगों का ड्रीम क्रिप्टो कॉइन है और क्या वजह है शिबा इनू आज इतना पॉपुलर है, क्यों कुछ लोगों का विश्वास इस कॉइन से उठ चुका है और क्या ये कभी एक रुपया जा सकता है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करेंगे कि शिबा इनू आखिर क्या चीज़ है। तो अगर शिबा इनू के बारे में बात करें, शिबा इनू कॉइन ने पिछले एक साल में 5,00,000% से ज़्यादा का रिटर्न अपने होल्डर्स को बनाकर दिया है और इसी वजह से इस कॉइन की पॉपुलैरिटी और हाइप काफ़ी बढ़ गई थी और इस रीज़न की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने शिबा इनू कॉइन में इन्वेस्ट किया। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें मीम कॉइन्स पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, वो इसे यूजलेस मानते हैं क्योंकि जिस तरह से मीम कॉइन्स की हिस्ट्री रही है लोगों को इस पर ट्रस्ट कम ही होता है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो साल 2012-13 में जब क्रिप्टो ट्रेंड आया था तो क्रिप्टो को लेकर काफ़ी हाइप क्रिएट होने लगी थी, हाइप के साथ साथ फ्रॉड्स भी होने लगे थे और इस नई टेक्नोलॉजी का लोग मजाक बनाने के लिए मीम्स बनाने भी शुरू करने लगे। उस टाइम पर शिबा इनू डॉग्स के मीम कॉइन काफ़ी वायरल हो रहे थे और वहीं से डॉग ब्रीड को पिक करके मजाक में डॉज कॉइन को बना दिया गया। इलॉन मस्क के ट्वीट की वजह से डॉज कॉइन ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया और 2020 में जब डॉज कॉइन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था तो उसके कंपटीशन में आ गया डॉज कॉइन किलर शिबा इनू। अब शिबा इनू को रियोशी नाम के गुमनाम व्यक्ति ने बनाया था अगस्त 2020 में और इसकी 1 क्वाड्रिलियन सप्लाई थी। शिबा इनू को पॉपुलर बनाने के लिए, उसकी हाइप क्रिएट करने के लिए 50% टोकन्स को इथेरियम फाउंडर विटेलिक को दे दिया गया, बाकी 50% एक एक्सचेंज को दे दिए गए जिसका नाम है यूनी स्वैप। अब अगर बात करें 50% जो विटेलिक को दिया गया उसमें से विटेलिक ने लगभग 60% डोनेट कर दिया और बाकी का बर्न कर दिया। ये थी शिबा इनू कॉइन की अब तक की हिस्ट्री, लेकिन आज के टाइम में शिबा इनू बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसके जो डेवलपर्स हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं शिबा इनू कॉइन को लेकर और आज की डेट में ये कॉइन मीम कॉइन कैटेगरी से निकलकर एक नॉर्मल ऑल्ट कॉइन की कैटेगरी में आ चुका है क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलर है इन्वेस्टर्स के बीच में। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये रैंक कर रहा है 15 नंबर पर, जितनी भी दुनिया की क्रिप्टो करेंसी हैं उनमें ये 15वें नंबर पर आता है, तो अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है एक मीम कॉइन से और एक टॉप 20 की कैटेगरी में आना। अब क्या क्या ये अभी तक कर चुका है और क्या इन फ्यूचर इसके प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में इन शॉर्ट डिस्कस करते हैं। अगर इसकी कम्युनिटी की बात करें तो काफ़ी हाइप है इसकी कम्युनिटी को लेकर, बहुत बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है, 3 मिलियन से ज़्यादा इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं एंड इसके होल्डर्स भी पर डे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर रिसेंट अपडेट की बात करें तो रॉबिनहुड पे भी इसकी लिस्टिंग हुई है, पिछले 8 से 10 महीनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइप थी इस चीज़ को लेकर कि रॉबिनहुड कब लिस्ट करेगा शिबा इनू कॉइन को। पूरी कम्युनिटी इस बात को लेकर काफ़ी दिन से वेट कर रही थी कि रॉबिनहुड लिस्टिंग होगी एंड शिबा इनू कॉइन रॉक करके दिखाएगा, लेकिन अभी प्राइस बहुत ज़्यादा अप नहीं गया है, बहुत सारी कंडीशंस हैं मार्केट की, क्रैश चल रहा है मार्केट में, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी कॉइन कुछ बड़ा करके नहीं दिखा सकता है। तो ये कुछ रीज़न भी हैं कि अभी प्राइस बहुत ऊपर तक नहीं गया है कॉइन का। अगर बर्निंग की बात करें तो डेली बेसिस पर मिलियंस में कॉइन की बर्निंग हो रही है, धीरे धीरे सप्लाई को रिड्यूस किया जा रहा है और आने वाले टाइम में इस शॉर्ट बर्निंग का काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ने वाला है शिबा इनू कॉइन की टोटल सप्लाई पर और प्राइस पर भी। और अगर व्हेल्स की बाइंग की बात करें तो व्हेल्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं शिबा इनू कॉइन को बाय करने में। करंटली अगर टॉप 100 इथेरियम व्हेल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी शिबा इनू की होल्ड की हुई है व्हेल्स ने,
तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जिस तरह से वेल्स लगातार कॉइन को एक्यूमुलेट किए जा रही हैं, इन फ्यूचर शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसे ही इतनी सारी वेल्स इसमें सडनली इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं, ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न है। बाकी पार्टनरशिप्स की बात करें तो डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं से पार्टनरशिप की बात भी आती रहती है, शिबा इनू कॉइन को लेकर नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। आप यहाँ पर छोटे से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़ी चीज़ के लिए शिबा इनू कॉइन का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपको पिज़्ज़ा बुक करना हो, बर्गर खाना हो, या आपको ट्रिप अपनी इंजॉय करनी हो, मूवी देखनी हो, हर चीज़ के लिए शिबा इनू कॉइन को आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर बात करें मेटावर्स की, तो रिसेंटली इसका इवेंट चल ही रहा है, मेटावर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन्वेस्ट, तो आने वाले टाइम में मेटावर्स की वजह से भी शिबा इनू कॉइन के प्राइस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। और बर्न पोर्टल की बात करें, जो कि इसका अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जैसे ही बर्न पोर्टल आ जाएगा उसके बाद शिबा इनू कॉइन की एक बड़ी क्वांटिटी को बर्न किया जाएगा। और अगर डेवलपर्स की माने तो उन्होंने जो अनाउंस किया है, हर साल लगभग ट्रिलियंस में कॉइन की बर्निंग होगी, तो ऐसे में धीरे धीरे सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी एंड काफ़ी हद तक प्राइस पे एक स्पाइक हमें देखने को मिलेगा। और अगर बात करें शिबेरियम की, जो इसकी अपनी ब्लॉकचेन होने वाली है, शिबेरियम लॉन्च होने के बाद भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे शिबा इनू कॉइन के प्राइस को लेकर। और अगर रिटर्न की बात करें, जैसे कि लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि शिबा इनू कॉइन हमें एक बड़ा रिटर्न बनाकर देगा, तो इतना सब जब एक कॉइन कर रहा है, इतनी ज़्यादा टीम एक्टिवली वर्क कर रही है, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर इसका आउटकम पॉजिटिव ही होने वाला है। तो जो लोग भी शिबा इनू कॉइन के इन्वेस्टर हैं, उनको कहीं ना कहीं एक होप है कि आने वाले टाइम में शिबा इनू कॉइन का प्राइस एक रुपया ज़रूर जाएगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो आप सभी का भी यही सवाल होगा कि आखिर शिबा इनू कॉइन का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है इतनी सब अपडेट्स के बाद भी, और कब तक ये कॉइन एक रुपया टच कर सकता है। तो इसका एक सीधा सा यही जवाब है कि किसी भी कॉइन को ग्रो करने में टाइम लगेगा, एकदम से रातों रात कोई भी कॉइन ग्रो नहीं कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही शिबा इनू कॉइन उस ट्रैक पर है जहां पर ये आपको एक बड़ा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसने पास्ट में इतना बड़ा रिटर्न बना के दिया था तो वो जस्ट एक बाई चांस था, आने वाले टाइम में ये कॉइन कुछ नहीं करने वाला है, डेफिनेटली आने वाले टाइम में भी कुछ बड़ा करके खाएगा शिबा इनू कॉइन, ऐसा सभी इन्वेस्टर्स का मानना है। और एक रुपया कब जाएगा आने वाले 2 से 3 साल के अंदर, तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये कॉइन एक रुपये तक जाएगा, लेकिन हाँ, जब इसका बर्न पोर्टल रिलीज हो जाएगा और इसकी बड़ी बड़ी क्वांटिटी को बर्न किया जाएगा, तो चांसेस हैं कि आने वाले कुछ साल में ये एक रुपये के फिगर को ज़रूर टच करेगा। अगर इसके करंट प्राइस की बात करें US डॉलर में, अभी 4 ज़ीरो इसके प्राइस से पहले हैं, और अगर INR में बात करें तो इसके प्राइस से पहले 2 ज़ीरो अभी भी हैं। अब ये कितनी ज़ीरो किल करता है आने वाले टाइम में, ये डिपेंड करेगा कि इसकी कितनी बर्निंग होती है और इसका मार्केट कैप कितनी जल्दी जल्दी बढ़ता है, क्योंकि अभी के हिसाब से, अगर करंट सप्लाई के हिसाब से देखा जाए, तो इसका मार्केट कैप ट्रिलियंस में होना है तभी जाकर ये कॉइन एक रुपये को टच करेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ह्यूज बर्निंग प्लान आता है और हर साल कॉइन को बर्न किया जाता है एक अच्छी खासी क्वांटिटी में, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला कॉइन साबित हो सकता है। तो जो लोग भी शिबा इनू कॉइन में इन्वेस्ट किए हुए हैं, या जिन लोगों को इस कॉइन पर बिलीव है, जिन लोगों को लगता है कि ये कॉइन हमें एक बड़ा रिटर्न बनाकर देगा, तो वो अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, पेशेंटली वेट करें इस कॉइन के ग्रो होने का। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो चाहे तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट इस कॉइन में कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। आपके छोटे से अमाउंट को भी ये बड़ा अमाउंट बनाने की पोटेंशियल रखता है अगर ये फ्यूचर में एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी यूट्यूबर की एडवाइस आप ना लें, खुद से रिसर्च ज़रूर करें, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, आपका लॉस भी करा सकता है। तो ये थी एक एनालिसिस शिबा इनू कॉइन के बारे में, कि कॉइन क्या इसकी हिस्ट्री थी और आजकल ये कॉइन क्या कर रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल वीडियो में इतना ही था, वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।